देख रहे हैं? We are ready. तो हम अभी फीफी पहुंचे हैं. अभी 8:30 बज रही है रात की. ये वाला स्पीड बोट था जो हमने बुक किया था, ये थोड़ा महंगा पड़ गया बिकॉज हमने प्राइवेट बोट बुक करना पड़ा. बट ये आइलैंड काफ़ी सुंदर है. अभी रात को तो दिख नहीं रहा है कुछ, बट दिन में ये काफ़ी सुंदर लगता है. ये एक ऐसा आइलैंड है जिसमें मोटराइज व्हीकल नहीं चलती है. इधर यू कैन वॉक और यू कैन रेंट अ साइकिल. कई सारे कैफेज भी है, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग भी है. लाइक फीफी आइलैंड इज़ अराउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम क्राबी. तो लाइक हर दो दो तीन तीन घंटे में वहाँ से फेरी आती है जो 400 बस लेती है. और लास्ट फेरी अराउंड 5 बजे के अराउंड है, 4 या 5 बजे. और हम अकेले लेट हो गए थे थोड़ा, तो हमारी लास्ट वाली फेरी छूट गई. तो हमें प्राइवेट लेना पड़ा, प्राइवेट स्पीड बोट. थोड़ा महंगा पड़ गया, लाइक 9,000 बस लिया उन्होंने. तो हम लोग 6 लोग हैं तो टोटल 6% में डिवाइड हो गया. तो 1500 बट 3500 इंडियन रुपीज. दिस इज़ आर वीला फॉर टुडे. हाय, गुड मॉर्निंग. तो अभी हम लोग फीफी में हैं और हम लोग स्कूबा डाइविंग बुक करवाए हैं अभी और उसी के लिए जा रहे हैं. तो एक्चुअली हम लोग का 4000 बर्ड्स लग रहा है, विच इंक्लूड्स द एंट्री फी फॉर आइलैंड. 4000 बर्ड मतलब अराउंड 10,000 इंडियन रुपीज़ में होगा. थोड़ा महंगा पड़ गया बिकॉज हम लोग पहले से बुक नहीं करवाए थे. सो यहाँ पे हमारा बुकिंग है. सो यहाँ पे सब गैस वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे. और दिस इज फीफी आइलैंड. ये वाला फॉर्म भरना तो आज हमारा काफ़ी बुरा दिन है इट सीम्स, बिकॉज हमारी फ्री डाइविंग वाली चीज़ कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ बैड वेदर. तो यहाँ इन लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी बैड वेदर है तो यह रिस्क है, तो नहीं अभी जाना ठीक नहीं है. एक्चुअली काफ़ी बारिश हो रही है और काफ़ी हवा भी चल रहा है यहाँ पे. अचानक से एकदम वेदर चेंज हो गया. तो एक्चुअली काफ़ी खर्चा करके यहाँ फीफी स्पेशली आए थे स्कूबा डाइविंग के लिए, बट वो कैंसिल हो गई. काफ़ी बुरा लग रहा है. उन लोगों ने बोला कि अब 1 घंटे और रुक के देखते हैं और लाइक वील ट्राई अगेन एट 1:30. एक्चुअली डाइविंग लाइक सी वाटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि विंड, लाइक जब ज़्यादा हवा रहती है तो वो वेव काफ़ी ऊपर नीचे होते हैं और उसमें ख़तरा रहता है. तो इवन अभी तो अभी फ़िलहाल वेदर के हिसाब से इवन हमारा कैप्टन भी नहीं तैयार हो रहा है जाने के लिए. तो अभी प्रोबेबिलिटी तो कम है, बट देखते 1 घंटे बाद आकर. अगर नहीं हुआ तो फिर यहीं पे आसपास कहीं इंजॉय करेंगे हम लोग. लाइक काफ़ी बुरा लग रहा है. जिसके लिए आए हम लोग थाईलैंड एंड स्पेशली दिस फीफी आइलैंड, वही नहीं हो पा रहा है. मतलब क्या ही बोले, ऊपर वाले की इच्छा. बट हाँ, कुछ ना कुछ तो करेंगे. लाइक अगर डाइविंग नहीं हो पाया तो स्नॉर्कलिंग कर लेंगे. तो लाइक समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग. सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर. ये यहाँ पे हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करने आए थे. काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था यहाँ पे. काफ़ी क्लीन वाटर है यहाँ भी, वाइट सैंड. थोड़ा बस वेदर ठीक हो जाए तो हम लोग का थाईलैंड का ट्रिप का एंडिंग काफ़ी हैप्पी हो जाएगा. तो बस वेटिंग फॉर 1 आवर. तो अभी थोड़ा वेदर साफ हुआ है तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कि अभी पॉसिबल हो रहा है कि नहीं. एक्चुअली फ़ोन आया था वहाँ से, तो उन्होंने बोला कि अभी ट्राई, अभी आ जाओ बात करते हैं. तो is pressure.
शी इज़ अ डाइविंग इंस्ट्रक्टर एंड वी आर रेडी टू गो फॉर स्कूबा डाइविंग। तो यहाँ पे हमें कलेक्ट किया जाएगा और यहाँ पे कुछ दूर एक पार्क है, नेशनल पार्क है, वहाँ पे डाइविंग होगी। एंड शी फ्रॉम जर्मनी। तो लाइक दो जन पे एक इंस्ट्रक्टर है। अरे वाह, बस ठीक है, पहला कोस्ट गार्ड का है लगता है। हाँ, देखते हैं वेदर कैसा रहता है। थोड़ा सा दिख लेके जा रहे हैं। So we booked the famous Discover Scuba Diver course from the Adventure Club on Phi Island. So it cost us 3600 birds, and additionally we had to pay 400 birds as the national park tax, which goes to the government. So the total was 400 birds, which is equal to around 10,000 Indian rupees. So this included two dives, each of around 40 minutes. So this was the first dive, and to be honest thoda dar to lag raha tha, but finally I jumped into the ocean. We were given some basic training before we dive deep into the water. So this includes some emergency protocols like how to adjust oxygen pipe, how to remove water from goggles and so on. Thank you.
So my Thailand trip is coming to an end, and regarding my experience in Phi Phi and Thailand, so Phi Phi काफ़ी खूबसूरत आइलैंड है, लाइक इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन थाईलैंड, एंड ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको लाइक एक दो दिन में पूरा एक्सप्लोर नहीं किया जा सकता है. सो वी मिस मैनी प्लेसेस लाइक सम व्यू पॉइंट्स, माया बे बीच, जेम्स पॉन्ड आइलैंड और भी काफ़ी कुछ. सो बट आई एम वेरी हैप्पी दैट हमारा स्कूबा डाइविंग जिसके लिए हम फीफी आए थे वो पूरा हो गया एंड में. और लाइक इट वाज़ द लाइक सीरियसली इट वाज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ अ थाईलैंड ट्रिप, और एंड काफ़ी अच्छा रहा. एंड रिगार्डिंग थाईलैंड एज अ कंट्री, थाईलैंड काफ़ी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी पीसफुल प्लेस है, और यहाँ लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पोलाइट है, काफ़ी हेल्पफुल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि थाईलैंड काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, और यहाँ काफ़ी काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. हमने भी काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया जैसे पटिया, क्राबी एंड फीफी आइलैंड्स, बट काफ़ी कुछ रह गया एक्सप्लोर करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बैंकॉक सिटी, फुकेट, नॉर्थ थाईलैंड एंड सो ऑन. सो नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ट्राई टू विजिट दोज प्लेसेस. एंड नेक्स्ट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट रिगार्डिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ माई ट्रिप. सो मैंने कैलकुलेट किया एंड इट वॉज अराउंड 65,000 पर पर्सन, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग लाइक स्कूबा डाइविंग, फ्लाइट, होटल्स एंड सो ऑन. सो लाइक हमारा ट्रिप लाइक 8 दिनों का था, और इसमें अगर आप स्कूबा डाइविंग हटाएं तो लाइक अराउंड 55,000 में आप काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं थाईलैंड को. मैं पूरा डिटेल प्लान विद द फ्लाइट कॉस्ट, होटल कॉस्ट, वीज़ा फीस, एवरीथिंग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. सो या आई होप दैट यू लाइक माई वीडियोज़ ऑफ थाईलैंड. सो अगर अच्छा लगे तो लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू वेरी मच. टिल देन इन्जॉय द स्ट्रीट्स ऑफ फीफी.